नमस्कार, इस वक्त हमारी टीम हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत में मौजूद है। दशहरे का टाइम चल रहा है, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और अलग अलग प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में और नाटक मंच का आयोजन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल जो है हम लोगों ने हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में जो न्यू स्टार हिंदू मुस्लिम ड्रामा क्लब का जो आयोजन होने वाला है उसके रिहर्सल जिस जगह पर हो रहा था वहाँ पर हमारी टीम पहुँची हुई थी, वहाँ पर तमाम बातचीत किए थे। उसी के संदर्भ में आज हमारी टीम हसनपुरा प्रखंड के पियाउर पंचायत में पहुंची हुई है और यहाँ पे बसत नगर गाँव में ये सारे लोग जो हैं कलाकार हैं और यहाँ भी नवयुवक ड्रामा समिति जो बसत नगर की समिति है, ड्रामा समिति है और यहाँ पे इन लोगों के द्वारा 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को नाटक मंच का आयोजन इनके द्वारा भी किया जाने वाला है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे हमारी टीम पहुँची हुई है। इन सारे कलाकारों से, इन सारे पात्रों से बातचीत करेंगे और आपको मैं बता दूं कि जो नौ युवक ड्रामा समिति है इसके अध्यक्ष रंजीत सर और जो लाइसेंस धारक है वो शशि कुमार गुप्ता है और भी तमाम यहाँ पे कलाकार उपस्थित हैं और जितने भी पात्र इस ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सारे लोगों से बातचीत करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो ड्रामा समिति है ये 1980 से लगातार हर साल दशहरे के अवसर पर इनके द्वारा ड्रामा का आयोजन किया जाता है। तो आइए सबसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। आप लोग के द्वारा आज यहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है, आने वाले दो तीन दिनों के बाद आप लोगों का परफॉर्मेंस होगा, क्या क्या विशेष रूप से इस ड्रामा में होने वाला है थोड़ा विस्तार से बताइए। तो वैसे तो हम लोगों के गांव में ड्रामा 1980 से लगातार होते आया है, ऐसा एक भी साल नहीं होगा कि दशहरे के अवसर पर हम लोगों गाँव में ड्रामा नहीं होगा। और इस बार का जो ड्रामा है दो दिन हम लोग ड्रामा खेल रहे हैं और दोनों दिन का ड्रामा जो है सामाजिक स्तर पर एक संदेश देने के लिए हम लोग खेल रहे हैं। पहला ड्रामा कृषि विशेषज्ञ पे है, उसमें कृषि के बारे में हम लोग लोगों को बताएंगे। दूसरा ड्रामा सामाजिक है, दोनों ड्रामा के तहत हम लोग एक मैसेज देने वाले हैं समाज में। और ये ड्रामा हम लोग बहुत मतलब समझ लीजिए कि अपने गांव की परंपरा को निभा रहे हैं। हमारे गांव में हिंदू और मुसलमान मिलाकर ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर से कभी कोई भी एक भी सदस्य ड्रामा नहीं खेला होगा, उसी को हम लोग बरकरार करने वाले हैं। ये जो आप रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे किसके द्वारा इन सभी पात्रों को, इन सभी कलाकारों को डायरेक्ट किया जा रहा है? ये हम लोगों के डायरेक्टर हैं रंजीत सर, उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। कब कब ये आपका ड्रामा होने वाला है? 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को। परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं भी इस ड्रामे का सदस्य हूँ। आप कौन सा जो है कलाकार के रूप में आप किस पात्र को निभा रहे हैं? मैं एक तरह से इन लोगों का सहयोगी हूँ। अच्छा, सहयोगी। हाँ। आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं की? अच्छा। नौ युवक ड्रामा समिति है और जो यहाँ पे पूजा पंडाल है उसके आप लाइसेंस धारक हैं, कब कब ड्रामा होने वाला है? जी हमारे यहाँ ड्रामा 24-25 तारीख को दसवीं और एकादशी को प्रत्येक साल खेला जाता है और प्रत्येक साल के बाद ही हमारे यहाँ द्वादशी को भसान मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो हमारा मूर्ति विसर्जन 26 अक्टूबर को होगा, दिन बृहस्पतिवार है। ये जो पंचायत है इसमें 4-5 गांव है और 4-5 गांव में मुझे लगता है कि सिर्फ यहीं पर ड्रामा हो रहा है, तो भीड़ जो है बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे ड्रामे को देखने वाले हैं, उसको देखते हुए आप लोगों के द्वारा क्या 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 तैयारियाँ की गई है? नहीं, हमारे यहाँ तैयारियाँ गांव के पूरा समस्त पंचायत और गांव के सहयोग से ड्रामा संचालन होता है और वॉलंटियर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है और हम लोग पूरे समस्त ग्रामीणवासी मिलजुल करके ड्रामा का संचालन करते हैं और पूरा देख रेख से कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार गुप्ता। ये जो 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को आप लोगों के द्वारा जो ड्रामे का आयोजन किया जा रहा है थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए, आप उसमें किस पात्र को निभा रहे हैं? हम उसमें एक किसान कृप में है। अच्छा। जो किसान जमींदार है होते हैं उसके रूप में हम हैं और ये हमारा जो ड्रामा है ये सब पूरे हमारे पंचायत के जितने भी गाँव हैं, झोंगा, बलथरी, कलपुरा और पियाऊ, सब ये मिलकर सब लोग का सहयोग हम लोग को मिलता है पूरा और सभी पात्र। कितने साल से आप इस ड्रामे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 8-9 साल हो गया। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? बीएड। बीएड कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। पंचू कुमार सा। आप इस ड्रामे में किस पात्र को निभा रहे हैं? मैं एक लेडीज पात्र का लेडीज रोल निभा रहा हूँ। और कौन से किस दिन आप ये लेडीज का निभा रहे हैं? दोनों दिन। अच्छा, कितने दिनों से आप इस, क्या हर साल आप इस तरह से लेडीज का पात्र निभाते हैं या सिर्फ इसी साल है? नहीं, हर साल निभाते हैं। कितने सालों से आप कर रहे हैं? 8 साल हो गया। 8 साल से लगातार कर रहे हैं जी। क्या करते हैं आप? जी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं अभी?
अभी डिप्लोमा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार शाह।